यदि आप भी उन लोगों में से हो जो YouTube से डांस सीखना चाहते हैं, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं बट अभी भी आप डांस नहीं सीख पा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मेरा नाम है यमन और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि YouTube के ट्यूटोरियल वीडियोस से आप डांस कैसे सीख सकते हो। तो डांस सीखने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा जो कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा। स्टेप नंबर फर्स्ट, डिसाइड योर डांस स्टाइल। इसका मतलब है आपको एक डांस स्टाइल को चूज करना है। डांस के अंदर बहुत सारी डांस स्टाइल्स होती है, उनमें से आपको किसी एक डांस स्टाइल को चूज करना है। सबसे पहले आप एक जो भी आपको अच्छी डांस स्टाइल लगती हो उसे चूज कर लीजिए और उसी के रिलेटेड आपको वीडियोस देखने हैं। उसके रिलेटेड आपको डांस के ट्यूटोरियल्स वीडियोस और डांस के वीडियोस देखने हैं। इससे क्या होगा कि आप YouTube पे बहुत सारे वीडियोस हैं और आप उनमें से सिर्फ कुछ वीडियोस को ही देखोगे, तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप जब सिर्फ एक ही डांस स्टाइल पे फोकस करोगे तो आप उसे जल्दी सीख पाओगे। ठीक है, स्टेप नंबर सेकंड, फाइंड द इंस्ट्रक्टर। इसका मतलब है आपको उन चैनल्स को ढूंढना होगा जो कि आपकी जो डांस स्टाइल आपने चूज करी है वो डांस स्टाइल को कौन से इंस्ट्रक्टर सिखा रहे हैं। आपको ये देखना होगा, उन चैनल को आपको फॉलो कीजिए जो कि ये डांस स्टाइल सिखा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल होंगे, जैसे कि मान लीजिए आप टटिंग सीख रहे हैं तो टटिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो टटिंग सिखाते हैं। इन चैनल से आपको फ़ायदा ये होगा कि इसके अंदर आपको बहुत सारे एक्सरसाइज और बेसिक फाउंडेशन मिलेंगे और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी जब आप कोई से डांस स्टाइल सीखते हो। हमारी थर्ड स्टेप है बेसिक फाउंडेशन। तो हर डांस स्टाइल के अंदर कुछ बेसिक्स होते हैं, तो सबसे पहले आप उन बेसिक्स को सीखिए। यदि जैसे कि जो भी आप डांस स्टाइल आपने चूज़ करी है और उन्हीं के जो इंस्ट्रक्टर है वो यदि एडवांस सिखा रहे हैं, तो अभी एडवांस को पॉज कीजिए और सबसे पहले बेसिक सीखिए, क्योंकि बेसिक सीखने से के बाद ही आप एडवांस समझ पाओगे और उसे सीख पाओगे। यदि आप पहले से ही एडवांस सीखोगे तो आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होंगे और इस कारण से आप डांस नहीं कर पाओगे। और यही प्रॉब्लम होती है कि हम एडवांस के जो वीडियोज़ हैं वो देख कर कोशिश करते हैं और जब उन्हें नहीं कर पाते तो हम उस डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर हम सोचते हैं यूट्यूब के वीडियोज़ से डांस सीखने में प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले आपको यही करना है, आपको बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है। तो बेसिक के लिए आप क्या करेंगे कि जितने भी आप चैनल को आपको फॉलो किए अपने चैनल्स को, उन चैनल्स में जाइए, उनके वीडियोस देखिए और सबसे पहले उन वीडियोस को फॉलो सीखना स्टार्ट कीजिए जो बेसिक में जो जिसमें कि बेसिक आपको सिखाया जाएगा। हमारा फोर्थ पॉइंट है जिसका नाम है लर्न कॉन्सेप्ट नॉट मूव। इसका मतलब है आपको कॉन्सेप्ट को सीखना है ना कि मूव्स को। एग्जांपल के लिए एक पॉपिंग डांस स्टाइल है जिसके अंदर वेविंग का कॉन्सेप्ट है। यदि आप उस वेविंग के कॉन्सेप्ट को सीखते हो तो आप आर्म वेव, बॉडी वेव, जितनी भी वेव है वो सब सीख जाओगे और साथ ही साथ आप खुद की भी वेव क्रिएट कर सकते हो। तो आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है ना कि मूव पे। बहुत सारे लोग सिर्फ मूव पे ध्यान देते हैं और मूव में ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। यदि आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे तो ये बेटर होगा आपके जो डांस की जर्नी है उसके अंदर। स्टेप फाइव जो कि है डू एक्स्ट्रा एक्सरसाइज। इसका मतलब है कि आपको एक्सरसाइज करनी है जो कि एक्स्ट्रा है। जैसे कि हर डांस स्टाइल के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि किसी डांस स्टाइल में होती है फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट, किसी में होती है स्ट्रेंथ की और किसी में स्पीड की। तो जो ये इनकी रिक्वायरमेंट आपको फुलफ़िल करनी होगी। तो बहुत सारे इंस्ट्रक्टर इन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं करते, वो उतनी एक्सरसाइज आपको नहीं बताएंगे जो बतानी चाहिए। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना होगा, आप खुद से सर्च कीजिए, आप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक्सरसाइज को सर्च कीजिए, स्ट्रेंथ के लिए कीजिए और उनको फॉलो कीजिए और उन्हें सीखिए और उनको यूज़ कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी जो है वो कंट्रोल होगी, आपकी जो बॉडी है उस हिसाब से डेवलप होगी जिस हिसाब की आपकी डांस स्टाइल है। जैसे कि आप टटिंग का एग्जांपल लीजिए, टटिंग के अंदर जो एंगल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एंगल्स के लिए कुछ एक्सरसाइज होती है। तो बहुत सारे लोग इन एक्सरसाइज को नहीं बताते, वो डायरेक्ट टटिंग में जो मूव्स है वो सिखाना स्टार्ट करते हैं। इसलिए जो आपने डांस स्टाइल चूज़ करी है आपको ये देखना होगा कि उसमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। यदि फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है तो आप योगा का यूज़ करके फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट को पूरा कीजिए। तो यही पाँच स्टेप जो है वो मेन स्टेप्स हैं, आप इनको फॉलो करके यूट्यूब के वीडियो से डांस सीख सकते हो। आप सबसे पहले इनको फॉलो कीजिए, एक डांस स्टाइल सीखिए, फिर अगेन इनको फॉलो कीजिए और दूसरी डांस स्टाइल सीखिए और ऐसा आप लगातार कर सकते हैं जब तक आपको डांस में जितना आगे बढ़ना हो उतना आगे आप बढ़ सकते हो इन चीज़ को फॉलो करके। अब एक सीरियस नोट, जो कि ये तो उनके लिए था जो कि यूट्यूब से डांस सीखना चाहते हैं जो कि इतने डांस को लेकर सीरियस नहीं है, बट जो लोग सीरियस हैं उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि वो किसी भी डांस क्लास को ज्वाइन करें जहाँ भी आपको सूटेबल लगे, आपके जो पास में नियर बाय डांस क्लासेस हो उन्हें ज्वाइन कीजिए, क्योंकि डांस क्लासेस में आपको बेसिक फाउंडेशन भी सिखाई जाएगी, साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो एक्सरसाइज है वो भी सिखाई जाती है और वहाँ पे एक डांस का एनवायरनमेंट होता है। तो आपको डांस के एनवायरनमेंट के कारण भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपकी जो डांस की जर्नी है उसमें ग्रो करने के लिए।
तो एक तो ऑप्शन ये है आपके पास, और सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ऑनलाइन कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। तो ऑनलाइन कोर्सेज में क्या होता है कि उसमें बेसिक भी सिखाएंगे आपको, आपको थोड़ी सा एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी जो कि आपको डांस क्लास में नहीं मिलेगी, क्योंकि डांस क्लास में बेटेस चलती है तो वो नॉलेज पे इतना फोकस नहीं करते, वो सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो जो हमारे कोर्सेज होते हैं, कोर्सेज के अंदर आपको नॉलेज भी मिलेगा, एक्सरसाइज भी मिलेगी और टेक्निक्स भी मिलेगी। तो सबसे पहले आप बहुत सारे, आजकल तो ऑनलाइन में बहुत सारे आपको डांस कोर्सेज मिल जाएंगे, तो आप उन डांस कोर्सेज को परचेस करके डांस सीख सकते हो, वो भी घर बैठे। उसमें सबसे मेन बेनिफिट यही है कि आप घर बैठ के ही डांस सीख सकते हो, आपको कोई जाने की जरूरत नहीं और आपको आपका टाइम खराब करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे ही हमारा एक डांस कोर्स है जिसका नाम है बोन ब्रेकिंग 101। आप चाहे तो बोन ब्रेकिंग 101 को परचेस कर सकते हैं, वो एकदम बिगनर्स के लिए है जिन्हें डांस का नॉलेज नहीं है, जो बोन ब्रेकिंग सीखना चाहते हैं और जिन्हें बोन ब्रेकिंग का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, ये कोर्स हमने उन्हीं के लिए बनाया है। तो ये एक बिगनर कोर्स है और धीरे धीरे जैसे ही जो आप बिगनर के लेवल सीखोगे फिर हम इंटरमीडिएट और एडवांस के लेवल पर जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बिगनर लेवल सीखना होगा, तो हमारा बिगनर लेवल का कोर्स है जो कि बहुत ही लो कॉस्ट में हमने बनाया है। आप चाहे तो इस नंबर पर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और जो कोर्स के बारे में आप जो भी जानना चाहते हैं इस इन्फॉर्मेशन पे, इस नंबर पे जाकर आप पता कर सकते हैं। अभी तो हमने सिर्फ बोन ब्रेकिंग का ही कोर्स बनाया है, बट इन फ्यूचर हम टटिंग, पॉपिंग और रोबोटिक्स, इन सभी पर कोर्सेज बनाएंगे और जो कि बिगनर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। तो सभी की जो कोर्स होंगे उन सभी की कोर्स की प्राइस सेम ही होगी, तो आप टेंशन मत लीजिए। और कोर्स की प्राइस बहुत ही लो है, जितनी कोर्स की प्राइस है उतनी तो एक डांस क्लास की एक महीने की फ़ीस है। और जो ये कोर्सेज हैं वो लाइफ टाइम कोर्सेज हैं, आप कभी भी इन्हें देख सकते हैं, कभी भी सीख सकते हैं, आप जब फ्री हो तब सीख सकते हैं। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मौका दीजिए सिल्वर बटन को छूने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।